रीवा जिले में राजस्व महाअभियान के दूसरे चरण के दौरान कई जगह कार्य में लापरवाही पाने पर कलेक्टर ने पटवारियों के साथ ही कई अन्य राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इसके विरोध में पटवारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। पटवारियों के संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जिसमें कहा गया है कि लगातार पटवारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। राजस्व का महाअभियान शुरू होते ही कई तहसीलों के पटवारियों के सप्ताह भर के वेतन काटे गए हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि काटे गए वेतन को दो दिन के भीतर वापस किया जाए, अन्यथा 22 जुलाई से 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। साथ ही आगे भी राजस्व के अभियान का बहिष्कार पटवारियों द्वारा किया जाएगा। पटवारियों का यह भी तर्क है कि एक पटवारी पर 2 से 3 हलकों का प्रभार दिया गया है, जिसके चलते हर जगह काम कर पाना मुश्किल हो रहा है। जवा, ट्योथर, सिरमौर, मनगवा, रायपुर, करचुलियान आदि के राजस्व अधिकारियों और पटवारियों के विरुद्ध कलेक्टर की ओर से कार्रवाई की गई है। कई नायब तहसीलदारों के साथ ही प्रभारी तहसीलदारों को भी नोटिस जारी की गई है। हम आपको बता दें कि रीवा में पटवारियों द्वारा प्रशासन के विरोध में उतरने का यह पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी राजस्व अभियान के दौरान पटवारियों ने विरोध किया था और कई दिनों तक लगातार हड़ताल पर रहे, जिसकी वजह से अभियान प्रभावित हुआ था। इस बार भी पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने कहा कि जिस तरह से रीवा के जिला प्रशासन के पटवारियों के प्रति रवैया है, वह उचित नहीं है। यदि पटवारियों के हितों को अनदेखी हुई तो आंदोलन चलाया जाएगा। किस समस्या को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? ये राजस्व अभियान जो चलाया जा रहा है, उसके संबंध में जो समस्याएं आएंगी शासन स्तर पर और मौके पर व्यवहारिक स्तर पर, उन सब के बारे में बताना और साथ में जो हमारी मांगे पुरानी हैं उन मांगों के बारे में चर्चा करनी है। कितनी सूत्री मांगे हैं आप लोग? सूत्री मांगे नहीं है, 5-6 समस्याएं हैं और 7 मांगे हैं।